बड़ों को आदाब नमस्कार, सत श्री अकाल, छोटों को दुआ और बहुत सारा प्यार। मेरे सभी यूट्यूब फैमिलीज को, यूट्यूब जो व्यूअर्स हैं या जो मेरे इस चैनल के लवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, सभी को तहे दिल से शुक्रिया और थैंकफुल और बहुत सारा लव दूंगा चाहूँगा। और इस चैनल में बने रहने के लिए और 1000 सब्सक्राइबर बनाने तक का आप सभी का जो साथ था, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का आभारी रहूँगा, शुक्रगुजार रहूँगा। और ये जो चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हैं, ये मैं नहीं, ये सिर्फ आप हैं, ये चैनल आपका है, बिकॉज 1000 सब्सक्राइबर सिर्फ आप सभी लोगों का है। लव यू ऑल, सो थैंक्स। एंड आज बात किया जाएगा ये कि जो भी वीएलई आधार यूसीएल में रजिस्टर्ड कर चुके हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आधार में वॉक करना चाहते हैं वो करें, बट अगर कोई नए वीएलई आधार यूसीएल में वॉक करना चाहता है तो मैं अभी उसको बोलूँगा कि अभी आप वेट करें। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी में अप्लाई ना करें, बिकॉज आधार यूसीएल आने के बाद एकदम से सभी को शॉक्स लगने शुरू हो गए हैं। एक इतना बड़ा झटका है हम सभी के लिए जो वेलीज जो वॉक कर रहे हैं आधार यूसीएल में। आधार यूसीएल का जो 75 वर्जन जब शुरू हुआ था अभी 2 महीना पहले बात करें तो उस वर्जन, उस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑथेंटिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, राइट? एग्जैक्टली वर्चुअल आई डी का, VID का, और दूसरा उनके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होने का या न होने का। तो अब रिसेंटली ये 2 दिनों से, एक कल यानी कि 12 अक्टूबर और आज 13 अक्टूबर यानी कि 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर, कल और आज, इन 2 दिनों में जिनके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या जिनके मोबाइल नंबर कभी आधार में था ही नहीं, अब उनके भी ऑथेंटिकेशन हो पा रहे हैं, बट एक कंडीशन से। उनका ये है कि बहुत सारे लोगों का एक बार में नहीं ले रहा है, या हम यूँ कहें कि किसी एक कस्टमर का पार्टिकुलर वन टाइम में नहीं ले रहा है। इन्होंने सॉफ्टवेयर को अपडेट तो कर दिया है, अपडेट भी कर दिया है, वॉकिंग भी हो रहा है, बट पहले के मुकाबले जो हम आज से बात करें 3 साल पहले जो आधार में नॉट ए यूशियल आधार में जो पहले इनरोलमेंट का सेंटर हुआ करता था उसमें जो वॉक होता था जो स्मूथली होता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का आपने फिंगरप्रिंट किया एकदम से फटाक से स्कैन हुआ सेकेंडों के अंदर और एकदम से उसका डेमोग्राफी का सिस्टम ओपन हो गया चेंजेस का, राइट? तो उस तरीके से अभी यूसीएल में ये सॉफ्टवेयर नहीं काम कर रहा है। अभी इन्होंने रिसेंटली अपडेट किया हुआ है जिसके मोबाइल नंबर नहीं रहने की वजह से बहुत सारे पैन इंडिया, ऑल इंडिया वेलीज का मेल आया और उन सभी मेल के साथ हमारी श्योरेंस टीम ने CC डिपार्टमेंट तक मेल किया, UID के टेक सपोर्ट को मेल किया, UID के जो CEO हैं उनको भी आपने देखा होगा ट्विटर हैंडल के अंदर, तो श्योरेंस टीम ने उनको कई बार इन्फॉर्म किया है, उनको बताया है कि ये प्रॉब्लम इशू फेस हो रहा है जो ऑल इंडिया CC वीली हैं जो UCL में वॉक कर रहे हैं, अगर किसी का नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, बिकॉज उनको बैंक में जाना हो रहा और बैंक में आपको पता है बहुत लंबी लाइनें लगती है। तो अगर ये हर एक एरिया में CC सेंटर है और वहाँ पे अगर ये इस तरीके से काम हो जाए कि मोबाइल नंबर से भी काम हो तो सभी लोगों के लिए थोड़ा सहूलियत हो जाएगी। तो इस पे आधार ने अच्छे से वॉक तो कर दिया है, और ये अच्छे से ना कहें बट ये कहें कि हाँ उस पर वॉक तो कर दिया है, और दूसरा CC डिपार्टमेंट ने भी इन्हें साथ करके इनको करा दिया है, ठीक है? तो अब जो जिनका नंबर रजिस्टर्ड नहीं है उनका भी आधार में वॉक हो रहा है, बट जो फाइंड आधार करने पे बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, यानी कि फाइंड आधार में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है बिकॉज इन्होंने अभी सॉफ्टवेयर में कुछ वॉक किया है, इसलिए मे बी कि ये थोड़ा सा और सॉफ्टवेयर को धीरे से वो समझेंगे, टेक सपोर्ट UID के उनको समझेंगे कि और क्या क्या इसके अंदर अच्छे से किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर को और कैसे बेटर बनाया जा सकता है, वो भी थोड़े टाइम में इसको बना देंगे। तो मैं आज का वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, थोड़ा शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूँगा जो भी CC वेली जिन्होंने रजिस्टर्ड कर दिया और जिनका मशीन रजिस्टर्ड हो गया है वो वॉक कर रहे हैं वो करें, बट जिनका भी नहीं है वो मैं अभी कहूँगा अभी वेट कर लें, बिकॉज के अब मैं आपको स्क्रीन को लेके चल के बहुत सारी चीज़ें अभी बताऊँगा आपको कि आधार UCL में वॉक लेने का कोई फ़ायदा, अब जो ले चुके हैं उनके लिए कोई इशू नहीं, बट जो अब लेने वाले हैं उनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बिकॉज आधार के जो UID वेबसाइट है अब उसमें डेमोग्राफिक अपडेट का सिस्टम भी आ गया है। डेमोग्राफिक अपडेट का मतलब आप समझ सकते हैं, सिर्फ मोबाइल नंबर छोड़ के आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, एड्रेस, फादर नेम वगैरह। तो UCL में जो CC वेली अपने सेंटर पर वॉक कर रहे हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हो पाएगा आने वाले टाइम के बाद, बिकॉज अगर ये सारा सिस्टम करना था तो जो 2 महीने से सिस्टम चल रहा है आधार में, तो UID डिपार्टमेंट को पहले से ही उस सिस्टम को ऐसा कर देना चाहिए कि स्मूथली वॉक करे विदाउट नंबर, क्योंकि अगर 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद CC वेली अब ये UID ने न्यू अपडेट्स कर दिए अपनी वेबसाइट्स के अंदर,
जिसमें डेमोग्राफिक अपडेट आप खुद ही कर सकते हैं, वो अप्लीकेंट, वो आधार रेजिडेंट जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो वो जैसे पहले आधार में आप एड्रेस चेंज किया कर सकते थे, वैसे ही अब इन्होंने नेम और साथ में डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फादर नेम और ये सब चेंज किया जा सकता है सिर्फ मोबाइल नंबर छोड़ के। तो अब जो आधार यूसीएल में जितने भी वीएलई वॉक कर रहे हैं या जो करेंगे, तो अभी जो कर रहे हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ आधार नंबर में जो कस्टमर आपके पास आएगा वो सिर्फ मोबाइल नंबर ही अपडेट कराने के लिए आएगा। और जो मोबाइल नंबर अपडेट का भी इसमें सिस्टम हो गया है, जो पहले प्रॉब्लम थी कि जिनका मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है या फिर जिनका वर्चुअल आईडी जेनरेट नहीं है, एक्टिव नहीं है, उनका वॉक नहीं हो पा रहा था, बट अभी वॉक हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। मतलब कि एक टाइम इतना हो रहा है कि जितने टाइम में आप किसी कस्टमर का अपडेट कर देंगे उतने टाइम में वो चलता रहता है, वो फाइंड आउट हो रहा है। और आधार फाइंड आउट होने के बाद एक बार में नहीं होता है, कभी एपीआई एरर हो जाता है, कभी इंटरनल एरर होता है, उसको दो से तीन से चार बार पाँच बार जब आप करते हो तब जाके वो ले लेता है। तो ये एक है प्रॉब्लम। और अब जब जिनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो गया वो आपके पास नाम, डेट ऑफ बर्थ और ये अपने एड्रेस वगैरह सही कराने के लिए आपके पास आने वाले नहीं है, बिकॉज ऑनलाइन सारा सिस्टम है। तो जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं या जो जिनके पास ये सिस्टम जिनके पास अभी ये अवेलेबल नहीं है या जिनके पास नेट की नहीं है सुविधा, वो शायद आपके पास आके सेंटर पे करा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा अभी चल के जल्दी जल्दी आपको बता दूंगा चाहूँगा कि शॉर्ट वीडियो में कि जो इन्फॉर्मेशन थी कि ये आधार की वेबसाइट से, और इस पे आने के बाद अभी आप देखेंगे आधार है ना, अपडेट योर एड्रेस ऑनलाइन, ठीक है। तो अब इस पे हम चलते हैं और ज़रा देखेंगे कि इसमें क्या क्या हो रहा है, ठीक है। लिंक पे क्लिक कर दिया है, लिंक ओपन हो रहा है और इसमें देखा जाएगा कि अब क्या क्या नई चीज़ें इन्होंने अपनी वेबसाइट के अंदर जोड़ दिया। तो अभी ऐसा कुछ साइट्स आई थिंक थोड़ी बिजी जा रही हो बिकॉज हाँ। तो अब जो आधार में सेल्फ सर्विस है जिसे ASS अब यू के SSU बोल दें है ना, सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल, तो इस सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल के अंदर जो इन्होंने अभी सॉफ्टवेयर के अंदर अभी जो न्यू अमेंडमेंट आ गई है या जो यू कहे कि जो न्यू सिस्टम आ गया है उसके अंदर जो कस्टमर है या जिनका आधार है वो ऑनलाइन ही अपना सब कुछ चेंज कर लेंगे तो आपके सेंटर पे आना थोड़ा मुश्किल होगा। जो वीएलई अभी तक मेरी वीडियो को देख रहे हैं और अभी अप्लाई नहीं किया हुआ है यूसीएल सेंटर के लिए, वो प्लीज़ अभी ना करें, थोड़ा वेट करें, बिकॉज कि जो वॉक यहाँ हो रहा है वो आपको इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं था। अब जो इन्होंने लग कर लिया है वो आज सभी यूसीएल वीएलईज जो वॉक कर रहे हैं उन सबको अब पता लग रहा है कि हाँ ये बहुत बड़ा एक यूँ कहें कि इन्वेस्टमेंट जो किया गया है वो बेकार जाने वाला है इतना सारा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने के बाद। तो थोड़ा सा ये चीज़ है। और अब जो ऑनलाइन अपडेशन में है तो अब कस्टमर भी अपना ऑनलाइन अपडेट कर सकता है, तो इसमें यूसीएल तक आने का या आधार सेंटर में आने का नहीं है, सिर्फ आपका मोबाइल नंबर। और दूसरी चीज़ ये, अगर आपके पास कोई कार्ड निकालना है तो आप देख रही है वेबसाइट, ऑफिशियली वेबसाइट है, यहाँ पे डिक्लेयर है कि अगर किसी के पास मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड नहीं है तो अपना कार्ड भी वो मंगा सकता है आधार की वेबसाइट से। तो ये कार्ड का भी जो आपके बिजनेस है वो भी थोड़ा नेगेटिव पॉइंट में जा रहा है। ये फर्स्ट ऐसा वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को थोड़ा एक शायद लग रहा होगा कि अब सीसी को लेके या आधार को लेके नेगेटिव, बट ये नेगेटिव नहीं था, ये आप लोगों के लिए थोड़ा अवेयरनेस है, एक तरह से इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों तक पहुंचानी थी। और यूसीएल आधार में अभी जो मोबाइल नंबर पहले नहीं थी, अभी फिर बोलना चाहूँगा वो भी वो हो रहा है, कल भी हमने अपडेट किया था पर सभी लोगों का नहीं हो रहा है। कल हमने एक सीनियर सिटीजन का बहुत अप्लाई किया, बहुत बार बार ट्राई किया बट उनका नहीं हुआ, 1 से 2 घंटे ट्राई किया गया उनका नहीं हुआ, बाकी दिन में 1-2 लोगों का जिनका नंबर रजिस्टर्ड नहीं था उनका हो गया है। अब बहुत सारे कस्टमर का पहले से पता है कि हमने पहले ही बाहर एक चार्ट लगा दिया था सेंटर के बाहर कि उस पर लिख कर कि मास्क पहन के आए और बिना मास्क एंट्री नहीं है, अपने हाथों को सैनिटाइज करके आए है ना। उसके साथ में एक हमने जो पेपर प्रिंट आउट करके लगाया था उस पर लिखा हुआ था कि जिसका वर्चुअल आईडी एक्टिव है और जिसका मोबाइल नंबर है वही अपडेशन करा सकते हैं डेमोग्राफिक में, वरना नहीं करा सकते। तो जो 1-1.5 महीने से जो कस्टमर आ रहे हैं और वो जो जा रहे हैं अपने गांव में या अपने आस पड़ोस के लोगों को बता रहे हैं, तो उन्होंने वही चीज़ बताया कि नंबर जिनका रजिस्टर्ड नहीं उनका नहीं हो पाएगा। तो अब लोगों को पता लगने में थोड़ा और टाइम लगेगा बिकॉज अब उनको फिर से ये मैसेज जाएगा कि जिनका नंबर रजिस्टर्ड नहीं है वो भी करा सकते हैं, पर जिनका नंबर रजिस्टर्ड नहीं है उनका काफ़ी फाइंड आउट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, उतनी देर में एक आधार को आप अपडेट कर पाएंगे। तो ये एक आधार सेल्फ पोर्टल है। चलिए, तो ये आधार जो सेल्फ पोर्टल है इसके अंदर जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था वो कुछ इस तरह से था
कि ये आधार का जो सिर्फ पोर्टल है जहाँ से पहले सिर्फ एड्रेस ही अपडेट किया जा सकता था, अब आप देखेंगे यहाँ लिखा है यू कैन नाउ अपडेट योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस एंड लैंग्वेज ऑनलाइन। तो ये आपका एक है, तो अब मुझे इसलिए काफ़ी अफसोस के साथ बताया जा रहा है, एक बहुत ही बैड न्यूज़ के साथ भी, कि ये अब जो UCL में आधार में वॉक कर रहे हैं वेली, उनके लिए काफ़ी ये बुरी मुसीबत होने वाली है। इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब थोड़ा सा फंसने का टाइम आ गया है। तो अगर ये सब कुछ अब ऑनलाइन हो गया है तो मैं ये कहूँगा कि टीम जो है CSE की या आधार की जो टीम है UID का, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आपने UCL दे के VLEs को इतना सारा इन्वेस्टमेंट करा ही दिया है, तो नेम एंड डेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ ऑनलाइन अपडेट ही हो रहा है। अगर किसी के पास मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आपके पास क्यों आएगा सेंटर में, वो ऑनलाइन ही कर लेगा। जिनके पास फैसिलिटी आज नहीं, आजकल देखो ऑलमोस्ट हर गांव-गांव में, हर शहर-शहर में इंटरनेट हर गांव तक पहुंच गया, हर एक गली कोना सब तक पहुंच गया, हर हाथ में एंड्रॉइड फ़ोन सबके पास पहुंच गया, सबके नेट चल रहे, तो वो करेगा इजीली, है ना। सिर्फ मोबाइल नंबर के लिए आपके पास आए, और जो मोबाइल नंबर का जो फाइंड आधार फाइंड हो रहा है वो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। पहले की तरह जैसे आधार में इन्वॉल्वमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर वॉक होता था, जो न्यू मेकिंग होता था उसमें, उस तरीके से थोड़ा वॉक होने लगे, सॉफ्टवेयर स्मूथली काम करे, तो लगता है कि चलो ठीक है, जब वॉक करने लगेगा तो हमारे पास कस्टमर भी आएंगे, तो हम एक दिन में 10, 5, 2, 4, 5, अभी यही हो रहा है कि 2, 4, 5 लोगों का काम हो रहा था। अब मोबाइल नंबर एक दो दिन से हो रहा था, चलो एक दो कस्टमर और एक्स्ट्रा बढ़ गए, अब धीरे लोगों को अवेयरनेस होगी, पता लगेगा फिर उसके बाद। तो अब ये है कि CSE जो UID डिपार्टमेंट है, तो अभी त्यागी सर को ये करना चाहिए कि जो MO साइन हुए उसमें आप बोल के उनको बायोमेट्रिक का भी सिस्टम दे, बिकॉज जिनका बायोमेट्रिक नहीं है 5 साल के बाद या 15 साल के बाद उनका सिस्टम आप दे दें। जो CSE वेली है उनका UCL में जो सिस्टम है उनमें न्यू एनरोलमेंट का भी सिस्टम आप उन्हें ओपन करें, उन्हें इनेबल कर दें ताकि वो काम कर पाएँ। जिनका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है वो थोड़ा अब उनको काम दें आप, ताकि वो कर पाएँ। जब सब कुछ ही आप ऑनलाइन दे दिए तो बिकॉज मुझे नहीं लगता 80-90% लोग अपने घर पर ही कर पाएंगे, जिनको ये सहूलियत नहीं हो पाती है वो आपके सेंटर पे आएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को माइंड रखें, और जो भी ऑफिसर्स इस देख रहे हैं उन तक मैसेज पहुंचेगी और टीम भी उन तक पहुंचाएगी कि बायोमेट्रिक का सिस्टम भी UCL में आप दें, है ना, और न्यू मेकिंग का भी दें, ताकि ये थोड़ी सी फैसिलिटी हो पाए। अगर ये सारी फैसिलिटी जो आपने दी है वो ऑनलाइन पोर्टल पे है तो बिकॉज बहुत बड़ा इशू होने वाला है। तो थोड़ा सा आप इन चीज़ों को रखते हुए कि आप सिस्टम को दे रहे हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, लोग कर पा रहे हैं, वो सबके लिए फैसिलिटी मिल रही है, ये बहुत अच्छी बात है कि उन्हें गली गली चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, कोरोना का टाइम है इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है। पर आप UCL के पास अब काम क्या रह गया VLEs के पास, तो आप प्लीज़ उन्हें इनरोलमेंट का वॉक दें और ये आगे तक हायर डिपार्टमेंट तक पहुँचाया जाएगा ये मैसेज सब तक। ये बहुत ही बैड न्यूज़ था, और साथ में एक गुड न्यूज़ ये था कि मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड हो रहा है वो हो रहा है, बट शुरुआत थोड़ी शुरू चल रही है, मे बी कि थोड़े टाइम और लगेंगे और UCL आधार डिपार्टमेंट के जो टेक्निकल सपोर्ट हैं वो इसको स्मूथली वॉक करना शुरू कर देगा। तो ये वीडियो थोड़ी सी आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आप तक लोगों को शेयर कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आने वाले और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिक नॉलेज और इन्फॉर्मेटिक वीडियो के लिए। CSE की इन्फॉर्मेशन नॉलेज सभी इस चैनल पर आपको जीनुइन नॉलेज के साथ मिलता है, तो प्लीज़ आप चैनल पर बने रहें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय सुझाए या कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें, तब तक चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।